मुजफ्फरपुर पुलिस पर होगी डकैती की FIR। रिटायर्ड आर्मी जवान को शराब माफिया बताकर घर पर छापेमारी की। 52 लाख रुपए व 200 ग्राम सोने के जेवरात ले गई पुलिस। कोर्ट ने दिया आदेश। मुजफ्फरपुर के फ्लैट में ब्लास्ट से युवक की मौत। धमाके के बाद आग लगने से सब चलकर हुआ राग। धुआं छटा तो छत विछत लाश दिखी। बरसात में बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए अभियान। 21 सितंबर तक बिहार के 2,16,00,000 बच्चों को खिलाई जाएगी दवाई। 13 जिलों के 3,606 स्कूल चिन्हित। मुजफ्फरपुर में ठनका गिरने से 2 लोग घायल। घर में सो रहे लोगों पर गिरा ठनका। 2 घायल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हजारों की संपत्ति भी क्षतिग्रस्त। मोतिहारी में शराब के नशे में धुत सरपंच पति गिरफ्तार। पुलिस को गश्ती के दौरान सड़क पर पड़ा दिखा व्यक्ति। पूछताछ करने पर निकला सरपंच पति। मेडिकल जांच में शराब पीने की हुई पुष्टि। भेजा जा रहा है जेल। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर अनंत स्टेशन पर सेंटिक के दौरान 2 डिब्बे उतर गए पटरी से। रेल महकमे में मचा हड़कंप। पूर्व मंत्री ददन पहलवान के ठिकानों पर ईडी का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व जेडीयू विधायक की 68 लाख की संपत्ति जब्त। राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री थे। ऐसा हो कोरोना को हराने का जज्बा। वैक्सीनेशन के पहले और बाद में कोरोना से बचाव का करें उपाय। पूर्वी चंपारण में गाइडलाइन तोड़कर लोगों ने लिया टीका। स्वास्थ्य विभाग ने बताया जज्बा। आरा में शराबी युवक का ड्रामा। कचरे के ढेर में गिरा पड़ा था युवक। पुलिस इलाज के लिए अस्पताल लाई तो करने लगे हंगामा। पुलिस कर्मियों के साथ भी की गाली गलौज मारपीट। भोजपुर में सरपंच प्रत्याशी को मारी गोली। घायल दरवाजे पर भाई के साथ बैठा था बाइक सवार। अपराधियों ने 2 गोली मारी। चुनावी रंजिश में गांव के ही विरोधी पर गोली मारने का आरोप। पंचायत चुनाव में कोरोना का खतरा। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण में नमाज पढ़ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसी मनमानी से आएगी कोरोना की तीसरी लहर। बेगूसराय के सड़कों पर पड़े दिखे नशेड़ी दंपति। हाईवे किनारे घंटों तक पड़े रहे नशेड़ी पति पत्नी। बेसुध माँ बाप को देख रोते रहे बच्चे। स्थानीय लोगों ने पानी मारकर उठाया फिर घर पहुंचाया। समस्तीपुर में खेत से मिला युवक का शव। मृतक प्रभाकर के शरीर पर जगह जगह कांटे के पाए गए निशान। बीते साल हुई थी दिवाकर के भाई की हत्या। बघा में अधेड़ को पीट पीट कर किया आदमरा। 5 साल पहले खेतों में पानी डालने को लेकर हुआ था विवाद। दूसरे पक्ष के लोगों ने मार मार कर किया आदमरा। दोनों हाथ पैर तोड़ दिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा ऐलान। अब हर माह की 21 तारीख को मनेगा परिवार नियोजन दिवस। दिवस पर सभी चिकित्सा संस्थानों पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुजफ्फरपुर में वायरल फीवर के बीच फिर आया चमकी बुखार का मामला। सीतामढ़ी के एक बच्चे में AES की पुष्टि। समस्तीपुर में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर 4 युवकों को किया गिरफ्तार। तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर लगा 5 करोड़ ठगने का आरोप तो मंत्री नितिन नवीन ने बोल दिया माफी मांगे और स्पष्ट करें। पटना पुलिस से सावधान मोबाइल चोरी का मामला दर्ज कराने गया टीचर की पुलिस ने कर दी धुनाई। अब अफसर मांग रहे पिटाई का सबूत। SSP से पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। RJD को विस्तार करने झारखंड पहुंचे तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। यूनाइटेड बिहार के विकास पर दिया जोर। बालाओं संघ नेताजी ने लगाए ठुमके। सिवान में JDU के पूर्व MLA श्याम बहादुर ऑर्केस्ट्रा में छोटे कपड़ों में नाच रही डांसर के साथ जमकर थिरके। बोले ये तो कला है। लालू नहीं चाहते थे सांसद बने सदानंद बाबू। भागलपुर में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा सदानंद बाबू की सांसद बनने की बहुत इच्छा थी लेकिन RJD के कारण नहीं बन पाए। सिवान में ट्रक ने बाइक सवार माँ बेटे को कुचला। माँ की मौत बेटा गंभीर। डॉक्टर से मिलने जा रहे थे दोनों आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। PMCH में गोद में बेटे को लेकर दौड़े पिता। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल बाहर इमरजेंसी से बच्चा। वार्ड तक जाने के लिए न ट्रॉली मिली और न ही एम्बुलेंस। पटना और सिवान की पंचायतों में आरक्षण सूची में गड़बड़ी। गड़बड़ी पकड़ने के बाद रोस्टर में हुआ बदलाव। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने रोस्टर बदलने का दिया निर्देश। BJP नेता और मुखिया जी शराब पार्टी करते हुए धराए। गया में केस से जमानत मिली तो घर में BJP नेता व समर्थकों संग पार्टी कर रहे थे मुखिया जी। पुलिस पहुंची तो हंगामा करने लगे 5 गिरफ्तार। रांची में पत्रकार पर हमला मामला। हमले का मुख्य आरोपी आकाश गुप्ता उर्फ बेंगा बिहार के गया से गिरफ्तार। रांची पुलिस की स्पेशल टीम को मिली सफलता। तेजस्वी और मीसा समेत 5 नेताओं पर होगा केस। 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने के आरोप मामले में राजद ने कहा तेजस्वी को बदनाम करने की साजिश। कांग्रेस ने कहा विक्षिप्त व्यक्ति ने आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे कहलगांव। चित्र पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत सदानंद सिंह को दी श्रद्धांजलि।
बेगूसराय के जिम में पसीना बाहर है गिरिराज। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को दिया फिट रहने का मैसेज। सदर अस्पताल की दीदी की रसोई में खाना भी खाया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।